नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा से मुंदी मार्ग के मथेला में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये भाई साहब जो है, ये इनकी जो चाट की दुकान है, तो ये दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है और ये रोड से जो भी लोग गुजरते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ पर पानी बतासे खाना पसंद करते हैं। और इनकी जो दुकान है ये इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोगों को यहाँ पर अपना नंबर आने का वेट करना पड़ता है और यहाँ पे कई गांवों से लोग यहाँ पे पानी बतासे खाने आते हैं। इनके पानी में वो टेस्ट, वो स्वाद है कि हर किसी को यहाँ पर खींच के ले आता है। लोग खंडवा से तक के यहाँ पर पानी बतासे खाने के लिए करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम प्रीतो सिंह राठौड़ है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं जावा रहता हूँ। अच्छा, तो ये भैया क्या आपको इनके पानी बतासे अच्छे लगते हैं? बहुत बढ़िया, पानी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है, चटपटा रहता है। उसके बाद पूरी की साइज भी आप देख सकते हो जी। बाकी जगहों की छोटी आती है लेकिन यहाँ बड़ी आती है। अच्छा, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इसके अंदर क्या क्या मिला के देते हैं जो आपको अच्छा लगता है? सेव जी, उसके बाद हरी चटनी जी, और आलू वगैरह मसाले जो डाल के देते हैं। ठीक है। और क्यों भाई पानी बतासे खाने आए क्या? क्या नाम है आपका? आनंद सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी कहाँ से आए आप? गोकुल गांव। तो स्पेशल बतासे, पानी बतासे ही खाने आए? हाँ। ठीक है, तो इनके पानी बतासे आपको क्यों पसंद है? वो अच्छे बनाते, टकाटकोर का। अच्छा, अच्छे बनाते हैं। भाई आपका क्या नाम है? निखिलेश चौहान। कहाँ रहते हैं? धमन गाँव गोकुल गाँव। धमन गाँव गोकुल गाँव। तो आप रोज आते हैं यहाँ के पानी बतासे खाने? जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे लगते हैं आपको? ठीक है। भाई कहाँ रहते हैं आप? गोकुल गाँव रहता हूँ। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल भाई, तो पानी बतासे अच्छे लगते हैं आप? अच्छे लगते हैं ना। ठीक है, हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? आपका क्या नाम है? मंगल गांगुले जी। गांगुले जी क्या कहेंगे आप? आपका कुल्की को एक नंबर बनाते हो भैया जी। कुल्की जी, पानी अच्छा लगता है इनकी यहाँ पे। अच्छा, भी जाओ खंडवा में खेले तो भी अच्छा लगता है यहाँ पे, पानी अच्छे बनाते हैं, स्वाद अच्छा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पानी बतासे कैसे लगते हैं यहाँ के? एकदम बेस्ट। अच्छा, तो रेगुलर जब इधर से निकलते हैं तो हर बार खाते हैं? हम रेगुलर यही खाते हैं। अच्छा, रेगुलर यही, घर भी ले जाते हैं? अच्छा, घर भी लेके जाते हैं? लेके जाते 50 रुपए। अच्छा, तो बच्चों को भी काफी पसंद है? बहुत पसंद है, यहाँ का पानी बहुत पसंद है। अच्छा, पानी मतलब बहुत चटपटा पानी बनाते हैं? ये पानी बहुत बढ़िया बना, बीमार इंसान भी रहेगा ना उसका भी मुंह खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है। हम जो ये पानी बतासे की दुकान के जो संचालक हैं भैया, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है भैया? मुकेश सिसोदिया। सिसोदिया जी क्या कहेंगे आप? बस लोगों का प्यार है। हाँ, और लोग आपका काम को पसंद करते पसंद हैं, आपके स्वाद को पसंद करते। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मेरे को तो करीबन 9-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ठीक है, आप दुकान कब लगाते हैं? मैं 3 बजे लगाता। और बंद कब करते हैं? रात को 9 बजे। 9 बजे। हाँ। तो कितने बतासे लेके आते हैं? मैं कभी 1000, कभी 1200। अच्छा, कट जाते हैं, बस इतने ही लेके आते हैं। तो सिसोदिया जी का कहना है कि ये दिन में 3 बजे अपनी दुकान यहाँ पर लेके आते हैं और शाम को करीब रात के 9 बजे तक यहाँ पर इनका ये ठेला लगता है जिसपे ये पानी बतासे बेचते हैं। और 1000 जो इनके पानी बतासे, 1000-1200 पानी बतासे लेके आते हैं तो ये कई बार टाइम से पहले भी खत्म हो जाते हैं। और इनके जो स्वाद है, लोग इनको जो पसंद करते हैं तो इन्हें भी काफी खुशी है। तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बनाने के लिए सुबह कब से तैयारी चालू करते हैं और आपके पानी में ऐसी क्या खास बात है, आप क्या इसमें ऐसा डालते हैं? बस ये अपने सादे मसाले रहते हैं जी, पुदीना, कोथमीर और कोई मतलब केमिकल वाला आइटम नहीं, अपना सादा आइटम। अच्छा, अच्छा केमिकल नहीं इस्तेमाल करते जो ये अपने सादा, अपने जो सादे मसाले, हरा पुदीना, कोथमीर, मिर्ची जी, यही चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी बतासे खाने के लिए कई अन्य लोग भी आए हुए हैं जो अलग अलग गांव से केवल स्पेशल यहाँ पानी बतासे खाने के लिए आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भूमेंद्र पाटीदार। पाटीदार जी कौन से गांव से आए? बड़गांव वाली। अच्छा, तो यहाँ के पानी बतासे खाने आए? हाँ। तो कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते। ये मुकेश सिसोदिया जी जो बनाते हैं अच्छे लगते हैं? तो आप रेगुलर आते रहते हैं? आते रहते। ठीक है, और भी लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? चेतन पाटीदार। पाटीदार जी आप भी पानी बतासे खाने आए? हाँ। अच्छा, तो यहाँ के पानी बतासे का स्वाद आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। क्या बात है आप? ठीक है, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? बिरजू नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? इस सियाड़ा गिट्टी खदान। अच्छा, गिट्टी खदान रहता है। तो यहाँ पानी बतासे खाने आते हैं? आते हैं। अच्छा, रोज आते रहते हैं? रोज आते शाम में। अच्छा, शाम में रोज आते हैं।
तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम में यहाँ पानी बतासे खाने के लिए आते हैं। ये भाई साहब भी प्रतिदिन यहाँ पर पानी बतासे खाने आते हैं। आप देख सकते हैं कि मुकेश सिसोदिया जी जो है ये आलू के साथ सेव और साथ में दूसरे जो मसाले हैं साथ में प्याज का भी मिश्रण इसमें मिलाते हैं और उसके बाद पानी के साथ मिला के जो पानी बतासे लोगों को देते हैं तो उसका स्वाद हर किसी को यहाँ पर खींच लाता है। और भी कुछ लोग है भैया, क्या नाम है आपका? वसीम खान। कहाँ रहते हैं? बढ़िया तुला। बढ़िया तुला। तो आप रोज आते हैं? मेरे को तो इतने अच्छे लगते हैं कि रोज पार्सल करके ले जाता हूँ घर वालों के लिए भी। अच्छा। हाँ, घर के लोग भी सभी को। अच्छा। हाँ, तो रोज आते हैं आप लेने? रोज आता ना। ठीक है, 50 रुपए कंटिन्यू। अच्छा, 50 रुपए के आप रोज लेके डेली? ठीक है। और भी लोग मौजूद है। दादा कहाँ से आए आप? गोकुलगांव। क्या नाम है आपका? शंकर दसोरे जी। दसोरे जी। हाँ। तो दसोरे जी आप पानी बतासे खाने आते रहते हैं? हाँ, कभी भी आता हूँ, रेली नहीं आता मैं। अच्छा, तो ये आपने मुकेश सिसोदिया जी कैसे पानी बतासे खिलाते हैं? बढ़िया खिलाते हैं। अच्छा, स्वाद अच्छा है। हाँ। ठीक है भैया, क्या नाम है आप? माखन पवार। पवार साहब कहाँ से आया? गोकुलगांव से। गोकुलगांव। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच इस पानी बतासे की दुकान को लेकर काफी काफी कौतूहल है और यहाँ का जो स्वाद है काफी चर्चाओं में है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और साथ में इस मार्ग से गुजरने वाले लोग भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ पे पानी बतासे खाते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि रोड के साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ये सभी लोग यहाँ पर पानी बतासे खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भैया पानी बतासे खाने आए आप? क्या नाम है भैया आपका? दादा क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह पवार। कहाँ रहते हैं? बखराड़ा। अच्छा, यहाँ पानी बतासे खाने के लिए? बतासे खाने आए ना। अच्छा, आपके हाथ में क्या कटोरी है? कटोरी है। तो आप क्या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। बताइए ना कटोरी कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पवार साहब जो हैं ये पानी बतासे खाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। मुकेश भाई सिसोदिया जो ये पानी बतासे बेच रहे हैं उनको लोगों ने किस कदर लोगों ने घेर रखा है आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक छोटे से ठेले के ऊपर जो इन्होंने दुकान लगाई है तो इसको बड़ी संख्या में लोगों ने घेर रखा है, इसलिए लोग इधर दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो भैया आप कितनी देर से आए हुए यहाँ पे पानी बतासे खाने के लिए? 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए, आपका नंबर ही नहीं आया अभी। नंबर ही नहीं आया। तो अभी आप केवल आपको ये कटोरी मिल गई है? कटोरी मिल गई। जब यहाँ से भीड़ थोड़ी कम होगी तो आपका नंबर आएगा? जी हाँ। ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या पानी बतासे खाने आया? क्या नाम है आपका? कृष्णा पवार। पवार साहब, आपको यहाँ के पानी बतासे पसंद है? बिल्कुल, फेमस है वो तो यहाँ के। अच्छा, क्या कारण है फेमस है इतने? अब उनको ही पता है क्या फेमस है। अच्छा, पर यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है? बहुत मस्त है। ठीक है भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अधिकांश लोगों से हमारी बात हुई है और सभी लोगों ने यहाँ के पानी बतासे की काफी तारीफ की है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।